प्रिंस 7 दिनों में 15 किलो वजन कम करे बाबा रामदेव के इन 2 आसान तरीकों से। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे मैं बाबा रामदेव जी का नाम क्यों ले रही हूँ। वो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने उनकी बहुत सी वीडियो से ऑब्जर्व किया है और उसमें बहुत कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं अपनी, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज बताते हैं। और एक्चुअली में लोग जो 7 डेज 15 kg कम करना, 7 दिनों में 15 किलो कम करना उनकी गारंटी है। अगर आप वही सेम चीज़ जो आपको बताऊँगी आप भी अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली, ये मेरी खुद की बनाई हुई हेडिंग नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, उनके शिविर में जाके चेक कर सकते हैं या आप खुद भी गूगल कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज प्रॉपर वे से अगर फॉलो कर रहे हैं और उसके रैप्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आप अपना वज़न 7 दिनों में 15 किलो कम कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बाहर का फास्ट फूड, बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और साथ में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी, तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप तो जानते हैं कि एक्सरसाइज हम करेंगे तो हमारा डाइट प्लान, हमारी हर चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, डाइट आप वैसे का वैसा ही फास्ट फूड भी खा लेते हैं, चलो आज खा लिया क्या फ़र्क पड़ता है, करते 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 रूटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इफ़ेक्ट कभी नहीं करेगा। इसके साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर रेड बटन है, उसको जल्दी से प्रेस करिए, टाइम मत लगाइए, ताकि आप मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकें। साथ में ही आप वहीं बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन सबके साथ, बहुत जिनको भी आप जानते हैं, आप जिनको भी गुड मॉर्निंग मैसेजेस करते हैं मॉर्निंग, उन सबको एक अच्छा वीडियो शेयर करें, ताकि वो मॉर्निंग में एनर्जी से उठें और वो एक्सरसाइज फॉलो करके अपनी बॉडी को शेप में लेकर आ सकें। और साथ में सब लोग खुश भी होंगे ना कि मॉर्निंग में इतना अच्छा मैसेज भेजा है ईशा का एक्सरसाइज वाला, या उसको हम फॉलो करें उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। साथ में बहुत सारा मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बहुत सारा लाइक करो, बहुत सारा लाइक किया कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आपके ऐसी ही और अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूं कैसे करना है एक्सरसाइज को और कितनी आसान है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप एज इट इज मुझे फॉलो करिएगा। आज मैं आपको योगा एक्सरसाइज बताऊंगी, ये बहुत हेल्पफुल है, आपकी जितना भी एंजाइटी है वो खत्म कर देगा, स्ट्रेस जितना भी आपके माइंड में वो सारा खत्म कर देगा, आप बहुत अच्छा और रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्स फील करने से क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली वजन नहीं बढ़ेगा। आपको इस तरीके से बैठ जाना है, स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल अपना टमी, अपना शोल्डर बिल्कुल पीछे खींच के रखने हैं, स्ट्रेच करके रखने हैं, अपनी फीट को इस तरह से पकड़ के रखना है और स्ट्रेट बैठना है ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए, शोल्डर्स अपने पीछे, बॉडी पूरा स्ट्रेच करना है आपको। कुछ सेकंड्स के लिए आप ऐसे ही बैठिए, 15-20 सेकंड्स के लिए, देन रिलैक्स हो जाइए। अगर आपके फीट में पेन हो रहा है तो आप क्रॉस लेग कर लीजिए, उसके बाद उसको रिपीटेशन दोबारा से करिए, एटलीस्ट 10 times 15 times ज़रूर रिपीट करिए। देन रिलैक्स हो जाइए। अब आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ, हमें करना है अलोम विलोम। इससे क्या होता है, हम वन साइड से ब्रीथ अंदर लेंगे और अदर साइड से ब्रीथ आउट करेंगे। आप ऐसे बैठ सकते हैं अगर आप प्रॉपर नहीं बैठ पा रहे, वैसे जो इसका जो वे होता है वो आप वन लेग ऊपर एंड अदर लेग भी आपको उसके ऊपर रखनी है। इसको करने से बेनिफिट क्या होगा आपका, कि आपके जितने भी अंदर का, अगर आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो आपके जितने भी लंग्स हैं वो प्रॉपर वर्क करने लगते हैं। अच्छे से वर्क करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, आपका वेट नहीं बढ़ता, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। साथ में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होने से आपकी स्किन ग्लो हो जाती है, आपकी बॉडी का फंक्शन अच्छे से वर्क करता है, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है, डाइजेशन पावर आपका अच्छा हो जाता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है, तो ये बहुत इफेक्टिव है। चलिए आइए फॉलो करते हैं। अपना माइंड हम एक जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, केंद्रित करना है, फोकस करना है, एक भी पॉइंट पे आप फोकस करिए, या आप कोई भी ओम का वर्ड सोच सकते हैं या अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट सोच सकते हैं, वहाँ आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। कि आप रिपीटेशन कर सकते हैं जितना आप चाहें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी इजी एक्सरसाइज बताई है आपकी ईशा ने,
तो सेम आपको एज इट इज फॉलो करना है, एक्सरसाइज आपको सेम फॉलो करनी है, लेकिन रैप्स जितने मैंने आपको करके दिखाए हैं वो आपको फॉलो नहीं करने, आपको उससे ज़्यादा करने हैं। डे बाय डे हम्बल रिक्वेस्ट होता है मेरा हर वीडियो में कि मैं आपसे सच में हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, दिल से चाहती हूँ। आप लोग पता है अपनी बॉडी को लेके ज़्यादा टेंशन में होते होंगे और उतनी ही टेंशन ऑनेस्टली मुझे होती है कि मेरे व्यूअर्स अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी का मैं कमेंट ये नहीं पढ़ूँ कि जो है मेरा बॉडी वेट कम नहीं हो रहा है, इशरा इतना टाइम हो गया। तो मैं दिल से जानना चाहती हूँ कि इसे क्या रीज़न है, क्यों कम नहीं हो रहा। वो रैप ज़रूर कम कर रहे होंगे क्योंकि वो लिख के देते हैं हमने बाहर का जंक फूड अवॉइड करा, ऐसा भी किया वैसा भी किया, फिर भी कम नहीं हुआ। तो 101% उनके रैप्स यानी एक्सरसाइज को रिपीटेशन में करने में कमी है। हमें अपनी बॉडी को सेम एक्सरसाइज करने की हैबिट डेली की नहीं बनानी। जैसे आप सेम खाना रोज नहीं खाते ना, बोर हो जाते हो ना, वैसे बॉडी भी आपकी बोर हो जाती है। तो उसको एक खाना रोज मत दीजिए, मतलब एक एक्सरसाइज को रैप्स उतने मत दीजिए। डे बाय डे इंक्रीज करिए। अगर आपने 20 सेट के 4 बार आपने करा है, जब तक आपकी बॉडी टूट ना जाए ना, लिटरली पेन होने लगे, तब तक आपको उसको फॉलो करते रहना है। उतने रैप्स आपको करने हैं। थक जाओगे पहली बारी में, सांस फूलेगा, दूसरे दिन बस हो गया, समझ लो सांस फूलने का टाइम दे दिया। अब हमें डे बाय डे इंक्रीज करना है। आप किसी भी जिम ट्रेनर के पास, बड़े से बड़े जिम में जाके अपना नेम लिखवा दीजिए, आपकी मेंबरशिप आपका ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जिम वाला भी आपके, अगर वो बेस्ट ट्रेनर होगा ना, तो लिटरली आपकी वो हड्डियाँ तो टूटेंगी नहीं आपको जब तक बॉडी में पेन नहीं होगा। हड्डियाँ टूटना इतनी बोन ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपकी जब तक पूरे बॉडी में इतना दर्द नहीं होगा कि लेटा नहीं जाएगा उठा नहीं जाएगा, इट मीन्स तब आपकी वहाँ का बॉडी का वेट जो है ना, फैट, गंदा फैट, बुरा फैट, वो कम होना स्टार्ट होगा। तो इन सब चीज़ों से मैं आपको सही चीज़ बता रही हूँ कि वो कोई भी ट्रेनर हो, बड़ा सा बड़ा डाइटिशियन हो, हर कोई यही चीज़ सजेस्ट करेगा आपको कि आप रैप्स हमेशा उसके ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपना 100, अगर आपने आज एक साइज को 100 बार किया है, तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे आप 200 टाइम्स करें, फिर उसके 300 टाइम्स करें। 7 एक्सरसाइज अगर आपने मेरी देखी, 7 फॉलो करने का ट्राई करिए, टाइम निकालिए। अगर अपने आप को, अपनी बॉडी को 5 मिनट 10 मिनट अगर आप देंगे ना डेली के, तो आपकी लाइफ इंप्रूव होने वाली, आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच पाएंगे। आप इन सब चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करें। जंक फूड जो लोग नहीं खा रहे, बहुत अच्छी बात है, जो खा रहे हो उसको प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए। मीठा खाना, चीनी का इस्तेमाल, मिठाइयों का इस्तेमाल, चॉकलेट्स, टॉफियाँ, कोई भी चीज़ें, स्वीट्स जो हम खाते हैं, बर्फी, रसगुल्ले, इन सबको छोड़ दो यार। अपने शरीर से प्यार करो और एक्सरसाइज फॉलो करो। तो चलिए, अगर अभी तक इतना वीडियो पसंद आ रहा तो बहुत सारा लाइक करो ना, प्लीज़ अपनी ईशा की वीडियो को बहुत सारा लाइक करो, साथ में उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और बहुत सारा शेयर करते रहो, बहुत सारा शेयर करो, सबको बोलो कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करें, मुझे याद करते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।